नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। वागड़ में पंचायत चुनाव का त्रिकोणीय दंगल अपने चरम पर है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन आसपुर के भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने जो बीटीपी पर आरोप लगाया वो बड़ा गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि राष्ट्रप्रेमी हैं वो, हम पर यानी बीजेपी पर आरोप नहीं लगाते। उन्होंने बीटीपी पर विदेश फंड आने का आरोप भी लगाया। विदेशी फंड से ही वागड़ के युवाओं को बरगलाने की बात भी कही, हालांकि इसका कोई आधार वो नहीं बता पाए। चलिए हमारे सहयोगी जुगल कलाल द्वारा आसपुर के भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा से जो बात की गई वो सुनिए। फिलहाल सीबीसी की टीम यहाँ पर खड़ी है आसपुर विधानसभा में, और आसपुर के जो विधायक है गोपीचंद मीणा, जो भाजपा के जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है। इस बार आप जो चुनाव, जो पंचायती राज चुनाव है, इसमें आपके दूसरे कॉम्पिटिटर आप किसको मानते हैं? देखो, मैं इधर की जो हमारे कटारा क्षेत्र, आशापुरा कटारा क्षेत्र मंडल में हमारा कंपटीशन है बीटीपी से, और बैणेश्वर मंडल जो है उसमें मात्र दो वार्ड पर कंपटीशन है बीटीपी का। बाकी हमारे बाकी जितने भी 7 वार्ड हैं वहां पर भाजपा का किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ के कई लोगों से हमने जब पूछा, हम मिले, लोगों का कहना है कि विधायक साहब हमारे फ़ोन नहीं उठाते और हमारी सुनते नहीं हैं, सुन के भी मतलब अनसुना कर देते हैं, आखिर क्या वजह है उन लोगों का ये कहना? देखो, ये 15 दिन से मैं लगातार कहा, पहले से चल रहा है ये, 6-7 महीनों से पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कौन लोग हैं वो मैं बता दूँ, जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमारी पार्टी के प्रति घृणा है, उन लोगों का कहना ये है इस विधायक को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। ये कौन लोग करते हैं? जो मेरे विरोधी, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमारा ये विधायक बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन जो हमारी ये बीटीपी है ना, वो कुछ ऐसा कह सकती है। बाकी कांग्रेस के लोग भी हमारी कभी ऐसी निंदा नहीं कर सकते। जैसे जो डूंगरपुर के प्रभारी हैं जितेंद्र शास्त्री, कुछ दिन पहले उन्होंने, कुछ ही देर पूर्व उन्होंने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बीटीपी के बाप है दिनेश कोडनिया, तो वहीं तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी को पैदा करने वाले हैं, मतलब बीटीपी को पैदा करने वाले हैं बीजेपी। आखिर क्या किस हद तक है सच्चाई? ये जो है ना 100% गलत है। बीजेपी आज तक कांग्रेस का विरोध करती आई, कांग्रेस के नेताओं ने ये विचार किया कि इस बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए आदिवासी भाइयों को हम जोड़े, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा दल तैयार करके उनका समर्थन लेने के लिए। बीटीपी कांग्रेस एक है। जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान में अविश्वास के प्रस्ताव में सरकार गिर रही थी, तो दोनों विधायक जाकर के उनकी गोदी में बैठ गए, तो क्या वो हमारे हो सकते हैं क्या? बीटीपी पनपाने की बात जब हमारी भाजपा पर लगाते आरोप, तो हमको समझना चाहिए कि भैया तुम और कांग्रेस और बीटीपी एक हो, यहाँ पर लोगों को गुमराह करके तुम लोगों ने वोट लिया। जब कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की थी उस टाइम आप भी गांधीनगर के लिए रवाना हुए थे, इसी खबर आई थी, और फिर बीच में आप रुक गए थे, आखिर क्यों बुलाया गया था वहाँ पर आपको? देखो, वो हमारा संगठन का आदेश था, हम सब लोग कहीं रुके नहीं थे, हम गए थे सेट वहाँ का भाई अहमदाबाद ने जिला भूल गया मैं, गांधीनगर ने लास्ट जिला हमारा, जहाँ देव सोमनाथ जो है ना, वहाँ जा करके हम रुके थे। हम 2-3 दिन रुके, फिर वापस आए, फिर जयपुर गए। ये कुछ लोगों का कहना है कि रुक गए थे, कोई रुका नहीं था, हम सब विधायक गए थे, संगठन का आदेश था। ये बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, आप जान रहे हो, जबकि हमारे इन कांग्रेसी से क्या लेना देना, इनके उप मुख्यमंत्री। आखिर क्या कारण है कि बीटीपी का परचम जो इतनी तेजी से लहरा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखो, यहाँ पर कुछ भी मैंने बताया था अभी कि बाहरी ताकतें झोंकी जा रही है यहाँ पर। कहाँ से बाहरी ताकतें? बाहरी ताकत विदेशी फंड आ रहा है, और हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई है जिनको वो लोग बगलाने का काम कर रहे हैं, झारखंड, मिजोरम, उत्तराखंड, उधर से लोग आकर के हमारे पढ़े लिखे बच्चों को उछखा रहे और उनको फंडिंग देते हैं, तो वो बच्चे क्या है, उनको इस प्रकार से चढ़ा दिया कि यहाँ पर तुम 73% रहते हो, 73% का आरक्षण मांगो और सरकार बना लो यहाँ। अभी यहाँ पर 24 सीट हैं पूरे राजस्थान में एसटी की, और टोटल सीट हैं 200। अब तुमको यदि 73% आरक्षण भी लेना है ना, तो हमारे विधान को तो कोई बदल नहीं सकता ना। उस विधान को बदलने के लिए पार्लियामेंट से कानून आएगा, अब यहाँ तो होगा नहीं।
क्या आपको लगता है क्या इस बार प्रधान आपकी पार्टी का बनेगा? बिल्कुल, मैं 100% कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान हमारे सावला में बैठेगा, आसपुर में बैठेगा और हमारे दोवड़ा में बैठेगा और जिला परिषद में जिला प्रमुख भी भाजपा का बैठेगा, ये पूर्ण भरोसा देता हूँ। जैसा कि ये थे हमारे बीच में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, जिन्होंने कहा कि बीटीपी को लेकर उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, विदेश से फंड हो रही है और यहाँ के लोगों को बहकाया जा रहा है। दूसरी ओर उनका ये जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में उनको लेकर ये कहना है कि ये बिल्कुल 100% ये श्योर है कि इस बार प्रधान और जिला प्रमुख बीजेपी पार्टी का बनेगा। सीबीएनसी न्यूज़ जुगल कलाल डूंगरपुर, मेरे साथ सहयोगी शाहिद खान के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।